नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। गंगाराम राशि रत्न केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नीलम रत्न सूट ना आने पर किस प्रकार के लक्षण पैदा करता है। साथियों, बहुत सारे लोग नीलम रत्न बड़े शौक से पहनते हैं, लेकिन सप्ताह भर के अंदर या 15 दिन के अंदर कोई अप्रिय घटना होने पर यह सोचकर नीलम रत्न को उतार देते हैं कि यह नीलम हमें सूट नहीं किया, प्रतिकूल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन में घटने वाली बहुत सारी घटनाओं का संबंध नीलम रत्न से या रत्न धारण करने से होता ही नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नीलम रत्न सूट ना आने पर किस प्रकार के 3 मुख्य लक्षण 24 या 48 घंटे के अंदर तुरंत प्रकट करता है। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। नीलम रत्न शुद्ध और अच्छी श्रेणी का नीलम यदि आपने धारण किया है और वह आपको किसी कारणवश सूट नहीं किया तो उसका सबसे पहला लक्षण है आपकी आंखों में ऊपर की तरफ आपको सूजन के जैसा महसूस होगा। आंखों में हल्का दर्द और भारीपन डेफिनेटली आपको लगेगा। दूसरा लक्षण है कि नीलम रत्न आपको चक्कर के जैसे आएंगे, यहाँ पर आपको घिरनी के जैसी निश्चित रूप से आती हुई दिखाई पड़ेगी, एबनॉर्मल आप फीलिंग करेंगे। तो नीलम रत्न सूट ना आने पर व्यक्ति को चक्कर आने जैसी फीलिंग 24 या 48 घंटे के अंदर ज़रूर आती है। नंबर 3, साथियों, यदि आपका नीलम अच्छी श्रेणी का है और आपके शरीर ने, आपकी बॉडी ने उसकी किरणों को एक्सेप्ट नहीं किया, नीलम आपको प्रतिकूल है, तो डेफिनेटली आपको पहली रात में या दूसरी रात में यानी कि 48 घंटे के अंदर जो स्वप्न आएंगे वे काफ़ी डिजास्टर होंगे, विध्वंसक होंगे। जैसे बिजली का कड़कड़ाना, बिजली का कहीं गिर जाना, कहीं आग का लग जाना, बड़ा भारी एक्सीडेंट हो जाना, जहरीले जीव जंतु, सांप, बिच्छू वगैरह वगैरह, इस तरह से आपको काफ़ी विध्वंसक स्वप्न दिखाई पड़ेंगे। तो यदि आपके नीलम रत्न धारण करने के पहले 2 दिन में इन 3 में से कोई भी लक्षण बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट होता है तो वह रत्न आपको उतार देना चाहिए, चाहे फिर वह आपकी राशि या आपके लगन के भी हिसाब में क्यों ना सेट बैठता हो, लेकिन वह आपको उतारना ही पड़ेगा। अदरवाइज इन 3 लक्षणों से अलग यदि नीलम रत्न पहनने के बाद आपका कोई धन में हानि हो गई या अन्य कोई अप्रिय घटना हो गई तो उसका संबंध आपके रत्न से नहीं है, उसका संबंध अन्य चीज़ों से भी हो सकता है, उसको रत्न से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अब नीलम रत्न के बारे में कुछ बहुत काम की और दुर्लभ जानकारी मैं आपको देता हूँ। आपका रत्न टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, उसमें स्क्रैच, गड्ढा, दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, उसमें दूसरे रंग के छींटे नहीं होने चाहिए। जैसे किसी रत्न के अंदर पीले रंग के, पर नीलम का जो कलर होता है वह हल्का नीला या गाढ़ा नीला होता है, लेकिन उसमें गुलाबी, पीले, नीले छींटे नहीं होने चाहिए। आपका रत्न एक तरह से खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, अंधा नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ी बहुत चमक, ट्रांसपेरेंसी ज़रूर होनी चाहिए। तो ऐसा रत्न निश्चित रूप से व्यक्ति को लाभ करता है। मैं कामना करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसे ही रत्नों की जानकारियों के साथ भविष्य में।